हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन गर्ग है और आप देख रहे हैं इनोवा सॉफ्टटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बारटेंडर सॉफ्टवेयर में 75 mm बाय 50 mm का लेबल जनरेट करने के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा। दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आप बारटेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो उसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ब्लैंक टेम्पलेट और एग्जिस्टिंग बारटेंडर डॉक्यूमेंट। दोस्तों क्योंकि हम नए डिज़ाइन नए साइज का लेबल हमें जनरेट करना है तो हम ब्लैंक टेम्पलेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फिर हम जिस प्रिंटर से हमें प्रिंट निकालना है बारकोड प्रिंटर से उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट को क्लिक करना है। स्पेसिफाई कस्टम सेटिंग को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने अपने हिसाब से साइज को कस्टम करना है, देन सिलेक्ट नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। सिंगल आइटम पर पेज को सिलेक्ट करते हैं। 75 mm बाय 50 mm का जो लेबल होता है वो मोस्टली वन कट में होता है तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके साथ लेफ्ट और राइट में 1.3 mm का अनयूज्ड एरिया मानता है सॉफ्टवेयर, तो इसके साथ हम 2.6 mm को अपने साइज में ऐड करेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। मैं यहां पर राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूं, आप में से कोई भी और शेप सिलेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। साइज जैसा मैंने आपको बताया है 75 mm में 2.6 यदि ऐड करते हैं तो 77.6 mm विड्थ होगा और हाइट 50 mm को सिलेक्ट करते हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेम्पलेट का जो साइज है वो 77.6 बाय 50 mm व्यू होगा क्योंकि इसमें 2.6 आपका ऐड हो चुका है 75 में। दोस्तों इस तरीके से प्रीव्यू व्यू होगा। फिनिश पर क्लिक करते हैं, आपके सामने नया पेज व्यू होगा। इसके साथ जैसे आपको कोई भी स्पेसिफिकेशन डालनी है अपने लेबल पर तो हम सिंगल लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मल्टी लाइन को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मल्टी लाइन को सिलेक्ट करने पर यदि आपको कुछ भी चेंज करना होगा तो पूरा लेबल चेंज करना पड़ेगा। सिंगल लाइन में सिर्फ हमारे को जो चेंज करना उस लाइन में ही हमें चेंज कर सकते हैं, पूरे लेबल को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके से व्यू होगा सैम्पल टेक्स्ट के रूप में। इस पर आप अपने हिसाब से जो भी आपको टाइप करना है, कलर स्पेसिफिकेशन अपने लेबल से रिलेटेड, वो आप इसमें कर सकते हैं। साथ में यदि कोई यूजर बारटेंडर सॉफ्टवेयर का यूज करके बार कोड यूज कर सकता है अपने लेबल में, जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा तो उसके सामने ऐसा व्यू आ जाएगा। यदि आपको इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आप इसको राइट क्लिक करके अरेंज पर जाके रोटेट पर जैसे ही क्लिक करोगे और जैसे ही आप इस 90 डिग्री आपने सिलेक्ट करके काउंटर क्लॉकवाइज पर सिलेक्शन लेके ओके पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ये बार कोड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा 75 mm बाय 50 mm का लेबल को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों यदि किसी भी यूजर को 75 mm बाय 50 mm का लेबल
की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8814953410 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।